नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। मुझे बहुत खुशी हुई कि कल आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, सराहा, मेरे इमोशंस को समझा एंड काफ़ी कमेंट्स आए। एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग अभी भी मेरे साथ इस उम्मीद में हैं कि जस्टिस हमें मिलेगा। सुशांत की मौत के बाद उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन जहाँ पर भी वो है वो खुश रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले। 3 साल बीत चुके हैं हमारे हिंदू धर्म में, आई डोंट नो आप लोग में होता है या नहीं, बट 3 साल होने के बाद हम उन्हें पितृ गिनते हैं। तो पितृ बन चुके हैं हमारे सुशांत सिंह राजपूत, मेरा भाई। और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि आप उन्हें इतना याद करते हो तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या हम अपने पूर्वजों को याद नहीं करते? तो उसी सेंस में मैं अगर मेरे भाई सुशांत को याद करती हूँ तो ऐसा ज़रा भी नहीं है कि उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए वो अभी भी छटपटा रहे हैं क्योंकि जस्टिस उन्हें अभी तक नहीं मिला। बातें करते हैं हम बहुत सारी, बट कितनी बातें सच्ची हो पाती है या कितना हम कुछ कर पाते हैं उनके लिए, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। 3 साल बीत गए और सुशांत अभी भी वहीं इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। रिया चक्रवर्ती ने कल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला है, अपनी और सुशांत की वीडियो एक डाली है जिसमें चट्टानों के बीच में काफ़ी खुशहाल दिख रहे हैं दोनों। हो ही सकता है सुशांत की वो जैसे कहते हैं कि लास्ट गर्लफ्रेंड थी, हाँ मेरा भाई प्यार करता था उसको, बहुत प्यार करता था, दोनों गए होंगे बाहर, रोमांटिक वादियाँ थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बट ऐसी सेम सिचुएशन की जो फोटोज़ डाली है जो रिया ने, वो मैंने तो महेश भट्ट के साथ भी देखा है, भले चट्टानों में ना हो बट कहीं रूम्स में देखा है, तो महेश भट्ट के साथ और कितने लोग के साथ, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये इंस्टाग्राम पर डालना, इस फोटो, ये वीडियो डाली गई है और इस वीडियो के माध्यम से एक गाना भी डाला है, विश यू वर हियर, बहुत ही सेंसिटिव गाना है, विश यू वर हियर। एंड अब क्या होता है ना कि ऐसे लोग चर्चा में आने के लिए कुछ भी करते हैं, चर्चाएं इन लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, वो बदनामी हो या नाम हो, चर्चा में तो आ रहा है ना। तो रिया चक्रवर्ती ने भी यही किया, उसे पता है उसे ट्रोल किया जाएगा, लेकिन ट्रोलिंग में भी तो उसका नाम हो रहा है, रिया चक्रवर्ती का नाम हो रहा है। ये वही रिया चक्रवर्ती है जिसने हमारे भाई को पूरी तरह से बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया। एंड जब एनसीबी का पूरा आक्रोश उसके ऊपर चढ़ा था, ईडी का आक्रोश चढ़ा था, तब उसने खुद अपने मुंह से स्वीकार करा, जिसकी वजह से लगभग वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1.5 महीना या 2 महीने जैसा वो रही थी जेल में। एंड जेल में वो इसलिए गई थी क्योंकि उसने खुद स्वीकार करा था कि दीपेश सावंत, नीरज, सैमुअल मिरांडा, इन सब के माध्यम से, इवन द मैनेजर श्रुति, उन सब के माध्यम से उसने ड्रग सप्लाई करे हैं। और जो मेन चीज़ थी जो ईडी के नज़र में आया, 15 करोड़ की हेरा फेरी जो मिस्टर के राजपूत सिंह ने, सिंह राजपूत ने डाला था, यानी कि सुशांत के पिताजी ने जब FIR दर्ज कराई थी तो FIR तो लिखी नहीं गई, ये कहा गया मराठी में लिखिए, ये FIR अभी नहीं लिखी जाएगी, बहुत कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हुआ और वो FIR आज तक नहीं लिखी गई, कोई बयान नहीं गया। बट जब बहुत प्रेशर देने के बाद जब ये मीडिया में बातें आने लगी, तब एक FIR दर्ज हुई जो कि पटना में थी, और 306, 302 सारी धाराएं लगने की बातें आई, पर 302 नहीं लगी, ना महाराष्ट्र में लगी ना पटना में, तो हुई नहीं, क्योंकि पटना में जब कोर्ट से सम्मन आता है रिया चक्रवर्ती को, तो रिया चक्रवर्ती ने अपने पूरे सोर्स लगा दिए और कहा कि मैं पटना में नहीं, मैं चाहती हूँ ये केस जो है वो ये केस महाराष्ट्र में लड़ा जाएगा। एंड बाय डिफॉल्ट हमारी सो कॉल्ड जुडिशरी ने मान लिया इस ट्रांसफ़र को, एंड महाराष्ट्र में हुआ ये बात। एंड उसके बाद होती गई बातें, होती गई, वो बातों का कोई एंड ही नहीं आया, बस यही हुआ कि 1 या 2 महीने के लिए उसे जेल की गई,
जेल में उसकी हालत बहुत ख़राब मानी जा रही थी, बट ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि वही लड़की बाहर आकर मीडिया के सामने रोना धोना करती है और मीडिया उसे इतना प्यार से सराह रही है, आज भी सराह रही है। MTV रोडीज में वो कमीनी, सॉरी भैया, वरना फिर मेरा क्या बोलते हैं लिमिटेड पे चला जाएगा वीडियो, सॉरी टू से, बट मैं तो बोलूँगी कमीनी 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 कमीनी। हाँ, तो रिया चक्रवर्ती जो द कमीनी, वो अभी भी रोडीज जैसा एक मंच जो है, जो रघु राजीव ने शुरू करा था, रणविजय आया था और वो बहुत ही अच्छा चल रहा था, बट अब मेरे ख्याल से ऐसा फ्लॉप शो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। मैं उस पर अब थूकने के लिए भी मैं ना जाऊँ, व्यू करना तो बहुत ही दूर की बात है। रणविजय क्यों है इतने घटिया शो में, अब उसे भी छोड़ देना चाहिए, इतना स्टूपिड वो क्या गुलाटी और मतलब प्रिंस नरूला, ये सब घटिया लोग आ रहे हैं और उनमें सबसे घटिया रिया चक्रवर्ती जज बन के आ रही है। एंड सोनू सूद, आई हैव नो क्लू व्हाई इज ही देयर इन दिस पर्टिकुलर शो, बिकॉज सोनू सूद ऑलवेज, आई मीन ही इज ऑलवेज देयर इन गुड बुक्स, एंड वो ऐसे माध्यम से ऐसे शो में जा रहे हैं जहाँ पे उनको ट्रोलिंग ही मिलने वाली है, बिकॉज ट्रोलिंग क्यों ना मिले, एक ट्रोलिंग करवाने वाली एक हीरोइन वहाँ पे है रिया चक्रवर्ती, क्या दर्शाना चाहती है वो, एंड क्यों देखे वैसा शो। भैया बॉयकॉट करना है नहीं करना है आपकी मर्जी, मैं ऐसा घटियापन नहीं देख सकती। दूसरी बात यही, रिया चक्रवर्ती मीठे मीठे बोल बोल के कल इंस्टाग्राम पर अपने तरफ से एक ट्रिब्यूट दे रही है सुशांत सिंह राजपूत को, काय का ट्रिब्यूट दे रही है, तू काय का ट्रिब्यूट दे रही है, उसे मारने के बाद भी तुझे शांति नहीं मिली, उसको खा गई तू, तुझे अभी भी शांति नहीं मिली, और मीडिया ऐसे लोगों को देखती भी है, सराहती है। मुझे अफसोस है क्योंकि एक मीडिया ही ऐसी चीज़ है जो किसी इंसान को एकदम ऊंचा कर देती है और किसी इंसान को ज़मीन चटवा देती है। मीडिया हैज़ टू बी रियल, मीडिया को हमेशा अच्छी बातों का सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। पेपराजी के लिए बाहर वो क्लिक्स करते हैं सारे लोग, हाँ ये वो राखी सावंत द मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड सॉरी, उसको पेपराजी मिल रही है, उसके कितने सारे बॉयफ्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, वो क्या घटिया कपड़े पहनती है। उर्फी को आप बताते हो उर्फी घटिया कपड़े पहनती है, भैया ऐसा नहीं है, उर्फी घटिया कपड़े पहनती होगी बट वो घटिया काम नहीं करती है, वो उसकी चॉइस है वो क्या पहने क्या नहीं। इन सबको आप देख रहे हो, रिया चक्रवर्ती राखी सावंत इतने घटिया लोगों को देख रहे हो, आई मीन मेरे पास शब्द नहीं है, बस मैं यही शेयर करना चाहती थी कि कितने लोगों ने देखा ये इंस्टाग्राम पर रिया चक्रवर्ती की वीडियो, एंड आपको कैसा महसूस हुआ, क्या आपको अच्छा लगा या फिर मेरी तरह आपका खून खौला, क्या फीलिंग आया आपको, मैं जानना चाहती हूँ। आप खुद को एसएसआरियन कहते हैं, आप खुद को सुशांत सिंह राजपूत की तरफ आप हमदर्दी दिखाते हो, दिशा सल्यान के ऊपर आप हमदर्दी दिखाते हो, तो क्या ये हमदर्दी वाले लोग रिया चक्रवर्ती को देख रहे हैं, उसे सराह रहे हैं, उसे और आगे कर रहे हैं? ऐसी औरतों को तो मैं सीरियसली मार डालूँ मेरा मन करे तो, काश मेरे पास ये पावर होता, काश मैं बहुत करोड़पति होती तो डेफिनेटली मैं रिया को ख़त्म करने का कोशिश करती, उसके बाद पैसे खिला देती, गवर्नमेंट तो बिकाऊ है ही, गवर्नमेंट पुलिस उन सबको पैसे दे देती और अपना रफा दफा कर लेती, एक महीना जेल जाती, ख़त्म बात, कोई देखता भी नहीं, उसके बाद पॉपुलर अलग हो जाती मैं, है ना, गलत काम करने के बाद तो पॉपुलर होते हैं, तो पॉपुलर होने का बेस्ट फंडा यही है, किसी को मार दो, एक महीना जेल में जाओ, पैसे खिला दो और उसके बाद जब आप आओगे आपको फेम ही फेम मिलेगा, यही रिवाज है इस गवर्नमेंट का, इस सिस्टम का। सीरियसली आई एम सिक ऑफ इट, आई एम सीरियसली सिक ऑफ इट। खैर, आप लोग बताइए आपको ये सारी बातें सुनकर कैसा लगता है, कमेंट लाइक शेयर एंड इफ यू वॉन्ट देन डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन पे मेरी आवाज़ सुनी जाएगी और लोगों तक पहुँचेगी, अगर आप चाहते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी भरोसा है मेरे पे, तो मेरी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए आप ही को हेल्प करनी पड़ेगी। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं आगे बढ़ूँगी, नहीं करोगे
तो मैं यहीं पे चिल्लाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, कोई ना कोई तो सुनेगा ना, भगवान तो सुन ही रहा है, और हमारे सुशांत को जस्टिस मिलेगा इस उम्मीद में अपनी ज़िंदगी डाल दूंगी मैं। आगे आपकी मर्ज़ी। जय हिंद, बाय।